नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील जोशी की अगुवाई में राष्ट्रीय चयन समिति के 3 सीनियर पदों के लिए बीसीसीआई ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीसीसीआई की ओर से राष्ट्रीय चयन समिति के 3 खाली पदों पर पहले ही टीम इंडिया की 3 दिग्गज पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने आवेदन किया था, लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धा रोमांचक हो गई है क्योंकि इस पद के लिए भारतीय टीम के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी अजीत आगरकर ने आवेदन भरने का फैसला कर फॉर्म भर दिया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजीत आगरकर ने भी शायद चयनकर्ता की जॉब के लिए आवेदन दाखिल किया है। भारत के लिए 23 टेस्ट और 65 वनडे खेलने वाले चेतन शर्मा और 35 टेस्ट और 59 एक दिवसीय मैचों के अनुभव वाले भारत के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह ने चयनकर्ताओं के पद के लिए आवेदन की पुष्टि की है। आपको बता दें, बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से क्षेत्रीय प्रणाली को खत्म कर दिया है, जिसके बाद इस बात की संभावना बेहद कम है कि चयन समिति में एक ही क्षेत्र के आने वाले 2 खिलाड़ियों को जगह दी जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चयन समिति में अभी तक दक्षिण जोन से आने वाले सुनील जोशी चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे, जबकि सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व हरविंदर सिंह कर रहे थे। हालांकि इन पदों पर आवेदन करने वाले लोगों में कई आवेदक ऐसे थे जिनके पास इन अधिकारियों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव है, और ऐसी स्थिति में लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर इन दिग्गजों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वे 3 वनडे वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ जोन से मनिंदर सिंह और चेतन शर्मा के नाम शामिल हैं। ईस्ट जोन से शिव सुंदर दास ने दावेदारी पेश की है। शानदार फील्डिंग के लिए मशहूर दास ने 23 टेस्ट में 1326 रन बनाए। इसके अलावा बंगाल के पूर्व तेज गेंदबाज राणा देव बोस भी रेस में है। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से किस किस को चयन समिति के पैनल में शामिल किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।